तो सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं अभी हूँ चंडीगढ़ स्टेशन पे। मेरी ट्रेन जो थी वो 1 अक्टूबर को कलकत्ते से थी और 3 अक्टूबर करीब करीब 3:30 बजे मुझे चंडीगढ़ उतार दिया गया है। इस सीरीज़ में हम आपको दिखाने वाले हैं कि जांस्कर विंटर में कैसा लगता है। ये एग्जैक्टली विंटर तो पूरा शुरू तो नहीं हुआ है, पर अभी विंटर अप्रोचिंग है और हमारी जर्नी जो है वो शुरू हो गई है। मतलब आज सूरज उठने के साथ साथ हम बाहर जाएंगे और बाहर जाके हिचहाइकिंग करने की कोशिश करेंगे और होपफुली सब कुछ सही सा रहे। आज का डेस्टिनेशन रहेगा कम से कम मंडी तक जाने की कोशिश करेंगे और अगर मनाली तक पहुंच जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पर वैसा कोई होस्ट वगैरह अभी तक मिला तो नहीं है, पर ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस। सनराइज़ जो है 6:17 पर दिखा रहा है और सनडाउन जो है 6:05 पर दिखा रहा है। तो कुछ इसी के बीच में हमको ट्रैवल करना है। सनसेट के पहले पहले मैं कहीं पर शेल्टर लेने की कोशिश करूँगा, तो होपफुली मैं 6 बजे तक ट्रैवल शायद करूँ भी नहीं, मैं शायद 4-5 बजे तक ही ट्रैवल करूं। उससे आगे अगर कहीं पे पहुंच गया या फिर डेरा लग गया तो ठीक है, नहीं तो 6 बजे तक ही। तो अभी थोड़ा एनर्जी लो है, पर आई एम श्योर कि दिन ढलने के साथ साथ मेरा एनर्जी भी हाई होता जाएगा। स्वागत है आप सभी का एक और बार एक नए सीरीज़ में, जिसका नाम है फिर से लद्दाख। और एक नए सीरीज़ के एक नए एपिसोड में आपका दोबारा से स्वागत है। मेरा नाम है देवराज, आप देख रहे हैं देसी ट्रैवलर। तो हम चंडीगढ़ स्टेशन से निकल चुके हैं, सुबह के बज रहे 7। मनीषा को मैंने ऑप्शन दिया था हिचहाइक करना है कि गाड़ी से जाना है, वो बोले कि हिचहाइक करना है, तो हम अभी हिचहाइक करना शुरू कर रहे हैं। और अभी जस्ट हम लोग निकले स्टेशन से, ये रहा पीछे स्टेशन। अभी सनराइज़ हो रहा है तो इधर ताक के वीडियो लेना पड़ रहा है लाइट की कमी की वजह से। थोड़ा टायर्ड सा लग रहा है क्योंकि नींद पूरा हुआ नहीं है, तो देखते हैं कहाँ तक का एक छोटा मोटा हल्का सा रखें टारगेट। मतलब मनाली तक पहुँचना अगर नहीं भी पहुँच सके तो कोई बात नहीं है, अगर मंडी तक भी पहुँच गए तो ठीक है। और देखते हैं, सुबह के बज रहे 7, शुरू करते जर्नी। देखिए एक गाड़ी रोक दिया, कम से कम आधा घंटा खड़ा था, उसके बाद एक भाई ने रोका। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। कहाँ तक जा रहे हो भाई जी? तो स्टेशन से निकलने के बाद कम से कम आधे घंटे खड़ा रहने के बाद ये भाई साहब से मिला। तो ये भाई साहब कुछ ही दूर जाएंगे, कम से कम 5-7 किलोमीटर करीब करीब होगा, और अभी जाते हैं। बहुत देर खड़ा रहना पड़ा, सुबह की शुरुआत जो है उतना खास तो नहीं हुआ, पर आशावादी है हम कि आगे जाके अच्छा होगा। तो अभी हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे हैं और ये रहा कुछ चंडीगढ़ का नज़ारा। और ये पीछे मनीषा बैठी हुई है, वो कुछ देर के लिए भैया हमें लिफ्ट देंगे और आगे जाके देखते हैं कि क्या मिलता है। अभी यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही होगा शायद, असल में मैं जैसे बोल रहा हूँ भैया को वो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है मैं मैप में फॉलो कर रहा हूँ उनको। जैसे कोई डाइवर्शन आता है मैं उनको बता दूंगा, अगर वो उस रास्ते जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम वहाँ पे उतर जाएंगे। भाई साहब ने उतार दिया, 1-2 किलोमीटर का ही लिफ्ट था, पर ठीक है। तो इस ट्रिप का पहला लिफ्ट जो है मिल गया फाइनली, और अभी भी चंडीगढ़ में ही है। यहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि लिफ्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है आज। इसका कारण यह है कि आज संडे है ना, सब कोई घूमने के मूड में है, तो लिफ्ट विफ्ट का उतना कुछ ये नहीं है, पर ठीक है। और इनकी फट रही है मैं समझ रहा हूँ, पर फिर भी इनिशियल डेज है तो ज़्यादा ही दिक्कत होगा। ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिफ्ट देखते हैं कब तक मिलता है। जो भी है जैसा भी है आपको बताते हैं फिर। और धीरे धीरे अभी एनर्जी जो है वो बूस्टअप हो रही है, सुबह जैसा थोड़ा लो था, होता है ना कि नींद वगैरह ठीक से नहीं हुआ है, फिर रात के 1-1.5 बजे मतलब ट्रेन से उतरने का टेंशन ये सब लगा रहता है। तो इन सब के साथ सब कुछ अभी तक सब कुछ बढ़िया है। सुबह सुबह कुछ खाना भी है, एक ठीक ठाक से जगह पे जाके खाएंगे। अभी सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके अगर सिटी क्रॉस कर लेता हूँ तो उतना ही सेफ है हमारे लिए। तो फिर से कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा खड़े रहने के बाद ये भाई जी से मिले। भाई जी काफ़ी अच्छे हैं, इनके साथ बात करते हुए हम जा रहे थे चंडीगढ़ के बारे में, काफ़ी कुछ पता चल रहा है। अभी रोज़ गार्डन के बारे में बताया, उसके आगे फिर ये क्या था, मटका चौक के बारे में ही बताया। तो भाई साहब हमें कुछ 70 किलोमीटर के करीब जो है मतलब लिफ्ट देने वाले हैं, वो मतलब वहाँ से कुछ मतलब मनाली तरफ एक डाइवर्शन जाता है, वहाँ पे हमको छोड़ देंगे, तो वहाँ से हमें मतलब मनाली तरफ की गाड़ियाँ ही खाली मिलेंगी। तो भाई साहब को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। तो तो अभी चलते हैं, रास्ते का मज़ा लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, जैसे कि आपको पता है रात में हम लोग ट्रेन से उतरे थे, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं है, फिर आगे जाके अगर कहीं पर फुर्सत मिला तो हम भी खाएंगे, भाई को भी खिलाएंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। होपफुली सफ़र जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और बाकी मनीषा पीछे वहाँ पे,
अभी तक तो सब कुछ खैरियत है। हाँ भूख तो लगा है, ये सही है, पर अभी तक सब कुछ बढ़िया है। चलिए आगे जाके मिलते हैं फिर। करतारपुर में उतरने के बाद काफ़ी दिनों के बाद दोबारा ट्रक में उठने का मौका मिला। ये भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई यहाँ रुके हुए, भाई को आकर पूछे कि बिलासपुर तरफ जाओगे, तो भाई बिलासपुर तरफ जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो खुश है इनको, ये इसको ट्रक में चढ़ने का बहुत मन था। फाइनली बिलासपुर तक फिर से दोबारा मिल गया लिफ्ट। और यहाँ से बिलासपुर कितना किलोमीटर होगा भैया? 70-73 किलोमीटर। 70-73 किलोमीटर का फिर से लिफ्ट मिल गया है। और देखते हैं कि आगे मनाली तक मिलता है या फिर बिलासपुर के क्या करें, कुछ पता है नहीं कब तक पहुंचते हैं। अभी तो धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता भी शुरू होने वाला, ट्रक जो है थोड़ा धीरे धीरे चलती है, एनर्जी अभी फिर से दोबारा फुल ऑन है। फाइनली हिमाचल में जो है हमारी एंट्री हो रही है ऑफिशियली। ये अभी टोल टैक्स देंगे भैया। भैया टोल कितना लगता है? 200 रुपये? 250 रुपये? 250 रुपये टैक्स लगता है हिमाचल एंट्री का। बाकी सब बढ़िया एकदम। और जी कपल हिचाइकिंग जो है वो जारी है, बहुत मस्त चल रहा है। अभी थोड़ा रुक गए एक जगह चाय वाय पीने के लिए। ये हमारी गाड़ी, उसमें मनीषा बैठी हुई है, और अभी थोड़ा हम चाय वाय पियेंगे और फिर आगे की तरफ निकलेंगे। एनर्जी दोबारा से थोड़ा लो हो गया है, इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा था और सुबह से थोड़ा मतलब रूटीन इधर उधर हो गया ना। मतलब कल रात हमने 7:30-8 बजे ही खाना वाना खा लिया था और फिर पूरी रात को हमने सोया नहीं, क्योंकि वो सोने से ना सुबह में आपका थोड़ा बहुत मतलब टेंशन लगा रहता है कि कब आएगा ये स्टेशन वगैरह, जब आपको रात में कहीं पे उतरना है। तो 1:30 बजे कम से कम आने का बात था, तो ट्रेन लेट हुआ, फिर और वो एक्सटेंड हुआ 2:30, फिर हम 3:30-3 बजे उतरे। तो क्या होता ना, ये सब तामझाम में आपको नींद तो होता ही नहीं है। और बाकी उसके बाद तो फिर सुबह हम लोग वेटिंग रूम पे क्या सोते, वेटिंग रूम पे कैसे सोता बंदा बैठे बैठे आप कितनी देर सो पाओगे। तो ठीक है, जो भी जैसा भी है, पहले 1-2 दिन जो है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है और फिर आज धीरे धीरे आप मतलब यूज टू हो जाते हो। पर आज एक छोटा सा टारगेट रखे हैं कि मंडी तक पहुंचना, अगर मंडी तक पहुंच गए तो गुरुद्वारे में एक्सेस मिल जाएगा, तो हम गुरुद्वारे में एक्सेस कर लेंगे और फिर कल सुबह हम लोग निकल के फिर मनाली की तरफ निकलेंगे। भाई ने बिलासपुर से 10-15 किलोमीटर पहले छोड़ दिया है और वो नीचे से एक रास्ता जाता है उस तरफ चले गए हैं और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी के लिए वेट तो कर रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा है, धूप काफ़ी तेज़ है और टाइम हो रहा है अभी 2:10 बाकी है मंडी तक चलने का इरादा, अब देखते हैं क्या होता है। फाइनली 5-10 मिनट आगे जाने के बाद मंडी का लिफ्ट जो है वो मिल गया। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, भैया जा रहे थे, एक ही बार मैंने हाथ दिखाया भाई ने रोक दिया। तो भाई ये आगे तो मंडी का भी जाओगे कि उससे आगे तक जाओगे? हाँ अच्छा, भाई जो है वो कुल्लू साइड आगे जाके वो इस तरफ चले जाएंगे, हम जो है मंडी में उतर जाएंगे, मंडी में गुरुद्वारे में आज स्टे कर जाएंगे। और बाकी बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी तो खैर टेम्परेचर मेरे ख्याल से ना ठीक ठाक सा है। मेन प्रॉब्लम जो है ना बैग बहुत ज्यादा भारी है, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रैवल के इनिशियल डेज में जो है थोड़ा तकलीफ ज्यादा होता है, तो ऐसा ही है कुछ। बाकी मौसम जो है वो बढ़िया है, मैं तो गर्मी बोलूंगा नहीं। हाँ धूप तो है ही, गर्मी तो है और ज्यादा इसलिए लग रहा ना कि 20-25 किलो का सब बैग है। तो ठीक है, सब बढ़िया है, बाहर जो है नजारा एकदम शुरू है।
कुछ ऐसा नज़ारा है। और भाई को एक बार और धन्यवाद। हम जो है मंडी गुरुद्वारे में उतर जाएंगे, आज शायद वहीं पे डेरा लगाएंगे। पहला दिन है, आराम से चलते हैं, होपफुली सब अच्छा रहेगा। चलिए आगे मिलते हैं। तो भाई ने मंडी गुरुद्वारे के सामने उतार दिया है और नींद इतना आ रहा था कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो जल्दी से अंदर जाते हैं और देखते हैं कि रूम वगैरह मिलता है कि नहीं, और थोड़ा लंगर वंगर लेंगे, थोड़ा फ्रेशन अप होके आपसे मिलते हैं, फिर आपको डिटेल्स में पूरी दिन की कहानी बताते हैं। हाँ जी, तो मंडी के गुरुद्वारे में चेक इन कर लेने के बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट वेस्ट लिए, तो अभी बज रहे हैं 7:30 के करीब। हमने आके फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा लंगर वंगर लिया, और लंगर वंगर लेने के बाद एक रूम भी लिया हमने। काफ़ी सिंपल सा रूम है, 200 रुपये में रूम मिलता है, और आप उसमें आराम से बैठ सकते हो, खा सकते हो। जितना भी गंदे कपड़े थे उसको सब धोए, फिर आराम से खाना वाना खा के अभी थोड़ा सोचा कि अपडेट दे दूँ। अभी बज रहे हैं 7:30 के करीब। तो यहाँ पे इस तरह से ये लंबा पूरा जो आप देख रहे हैं, जितने गेट्स है ये सब छोटे छोटे रूम्स है, ये सब 200 रुपये के करीब मिल जाता है। और इसमें आपका 3-4 मैट्रेस दिया जाता है, और आप अपने लोगों के हिसाब से आप अपना बिछा लीजिए और फिर इत्मीनान से सोइए, रात बिताइए और अपना लंगर लीजिए। ये चार्जिंग पॉइंट एक ही मिलेगा आपको, तो हमारे लिए वही मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, थोड़ा रेस्ट वेस्ट लेंगे, आज का वीडियो जो है थोड़ा जल्दी ख़त्म करेंगे। थोड़ा जल्दी मतलब वीडियो ऑलरेडी लंबा हो ही गया है, फिर भी मतलब और कुछ अपडेट देना था पर इस वीडियो में हम नहीं देंगे, अगले वीडियो में देंगे। कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे मनाली की तरफ। मेरे को पता है आज पूरा दिन का जो था एनर्जी थोड़ा डाउन था, तो होपफुली कल थोड़ा एनर्जी और भी स्मूथ होता जाएगा। आगे जैसे बढ़ते जाएंगे एक्साइटमेंट लेवल भी थोड़ा हाई होता जाएगा, थोड़े पहाड़ भी बढ़ते जाएंगे और नज़ारे भी खूबसूरत होते जाएंगे, और आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का पहला वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ड्रिल तो आपको पता ही होगा, तो लाइक शेयर तो करना ही है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर समय याद रखिएगा, आपके कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होगा जिसको ट्रैवल पसंद है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, होपफुली उसको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इन सब बातों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूंगा ऐसे किसी वीडियो पे, इनफैक्ट कल ही मिलूंगा आपसे मनाली के रास्ते में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। मनीषा भी थोड़ा रेस्ट ले रही है, वो उसके लिए और भी थोड़ा नया है ना, और मतलब उसको हिचहाइकिंग का थोड़ा चस्का चढ़ा था, तो मैंने बोला कि देखो ये चेकिंग करना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उसने जो है हार नहीं मानी है। थोड़ा थकावट होना बहुत जाहिर सी बात है, वो तो थोड़ा थकी हुई है।